तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता के सेहत को लेकर लगाए जा रहे अटकलों के बीच मुख्यमंत्री के सभी विभाग जयललिता के बेहद करीबी ओ पन्नीरसेल्वम को सौंप दिए गए हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच मुख्यमंत्री के सभी विभाग जयललिता के बेहद करीबी ओ पन्नीरसेल्वम को सौंप दिए गए हैं। तमिलनाडु राजभवन ने एक बयान जारी कर कहा है कि जयललिता सीएम बनी रहेंगी और उनके सभी विभाग वित्त मंत्री ओ पन्नीरसेल्वम को सौंप दिए गए हैं। जयललिता के फिर से कामकाज संभालने तक पन्नीरसेल्वम ही उनका कार्यभार संभालेंगे। पन्नीरसेल्वम कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं जयललिता की अच्छी सेहत के लिए पूरे तमिलनाडु में प्रार्थना और दुआओं का दौर जारी है। जयललिता 22 सितंबर से चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पन्नीरसेल्वम जयललिता के सबसे वफादार माने जाते हैं। इसके पहले जब जब जयललिता को कानूनी वजहों से पद से हटना पड़ा, तब तब पन्नीरसेल्वम ने भी सीएम की जिम्मेदारी संभाली है। अपोलो अस्पताल के मुताबिक जयललिता को इन्फेक्शन है और उनकी तबीयत दिनों दिन सुधर रही है। जयललिता की सेहत के बारे में जानकारी लेने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज चेन्नई पहुँचे। आपको बता दें कि पन्नीरसेल्वम जयललिता के सबसे वफादार माने जाते हैं। इसके पहले जब जब जयललिता को कानूनी वजहों से सीएम के पद से हटना पड़ा, तब तब पन्नीरसेल्वम को ही सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र और महाराष्ट्र की सत्ता में एक साथ होने के बावजूद बीजेपी और शिवसेना के बीच हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दशहरे के मौके पर मंगलवार की शाम बीजेपी के सांसद किरीट सुमैया पर शिव सैनिकों ने हमला कर दिया है। दरअसल कुछ समय पहले किरीट सुमैया ने बीएमसी में भ्रष्टाचार का रावण बताया था। इससे नाराज शिव सैनिकों ने पुतले दहन कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में बीजेपी को साथ छोड़ने की खुली चुनौती दी कि मुंबई महानगर पालिका ये माफियाओं का अड्डा बन चुका है और यह जब दहन होने के पश्चात कुछ लोगों ने आकर के यहाँ पर महिलाओं के ऊपर हमला करने का प्रयास किया, ये घिनौनी हरकत है, ये निंदाजनक हरकत उन्होंने करने का प्रयास किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी बीएमसी चुनाव में अलग होने का ऐलान करके दिखाए, फिर वो बताएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। प्रख्यात समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज 50वीं पुण्यतिथि है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में कुंभ की रात साफ तौर पर संकेतों में दिखाई पड़ी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर दिल्ली से लेकर लखनऊ में कई कार्यक्रम चल रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मौके पर डॉक्टर लोहिया को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव भी शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ लोहिया की पुण्यतिथि पर दिल्ली में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में भी कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने किया है। इस कार्यक्रम में कई सांसद शामिल हुए। खास बात यह है कि दिल्ली में हो रहे कार्यक्रम के पोस्टर से शिवपाल यादव की तस्वीर गायब है। शिवपाल समाजवादी पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीते कुछ महीनों में समाजवादी पार्टी के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कई कार्यक्रमों में इस बात की वानगी साफ देखने को मिली है। इस बार भी ताजा तस्वीरें बताती है कि समाजवादी कुंभे में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और अभी भी शीत युद्ध का माहौल बना हुआ है। पंजाब के मानसा में दलित की हत्या मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए एससी आयोग की टीम पंजाब के मनसा भेजने का फैसला किया है। यूपी के गोरखपुर में भी दलितों को जिंदा जलाने के मामले में आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। एक पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। शराब माफिया ने जिस तरीके से उत्पीड़न करते हैं, मारपीट करके और उनको घायल करके किया, और आयोग ने उसमें सख्त संज्ञान लिया है। और हमारे वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार विरका, उनसे मैंने कहा है कि तत्काल मौके पे जाएं, पंजाब में ही हैं, तत्काल मौके पे जाएं और ये सुनिश्चित करें कि जो जो अपराधी हैं उसकी तत्काल उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो और इन परिवार को न्याय मिले और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। हम इसका अध्ययन करके इसको भी हम सुनिश्चित करेंगे, कोई इस तरह की व्यवस्था करें कि जो घटना हो जाती है, कार्रवाई नहीं होती है, वो भविष्य में ना हो। जम्मू कश्मीर के पंपोर में कुल 57 घंटे बाद आतंकी मुठभेड़ खत्म हो गई है। आतंकी मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए हैं। दोनों आतंकियों के शव भी बरामद हो गए हैं। एक आतंकी कल मारा गया था जबकि दूसरे को आज सुबह मार गिराया गया।
आज सुबह सेना ने फाइनल असॉल्ट शुरू किया। बिल्डिंग पर मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर से निशाना साधा गया। कार्रवाई में पैरा कमांडो भी शामिल थे। At this moment, as far as we know, there are two people who have been eliminated. इससे पहले सोमवार सुबह 6 बजे के करीब आतंकी ईडीआई इमारत में दाखिल हो गए थे। कहा जा रहा है कि आतंकी बिल्डिंग के पीछे नदी के जरिए इमारत में दाखिल हुए थे। मुठभेड़ की शुरुआत में आतंकियों की गोली से सेना का एक जवान घायल हो गया था। 8 महीने में आतंकियों का ईडीआई इमारत पर ये दूसरा हमला है। फरवरी में हुए हमले में 5 सैनिक शहीद हुए थे और 3 आतंकी ढेर हुए थे। विजयादशमी के मौके पर पीएम मोदी के लखनऊ दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस मौके पर जय श्री राम के उद्घोष को लेकर भी विपक्षी दलों ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। पीएम के यूपी दौरे को विपक्ष ने सियासी बताया है। विपक्ष ने पीएम मोदी पर सियासत करने का आरोप लगाया और कहा कि पीएम मोदी किसी जगह का चुनाव राजनीति के लिए ही करते हैं और इसके पीछे कोई धार्मिक वजह नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि ये सेक्युलर देश है, लेकिन पीएम मोदी धर्म की राजनीति कर रही है। जेडीयू नेता केसी त्यागी के मुताबिक पीएम मोदी राजनीतिक कारणों से लखनऊ गए थे। इनकी पार्टी में मुस्लिम कार्यकर्ता भी है और ये खुलकर कहते हैं हिंदू बहनों भाइयों, मैं इसकी निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री का स्थान का चयन ही राजनीतिक कारणों से। वहीं संघ विचारक राकेश सिन्हा ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को काम करने वाले प्रधानमंत्री पसंद नहीं है। एक पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए पीएम मोदी इस बार विजयादशमी का पर्व दिल्ली के बजाय लखनऊ में मनाया था और साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने रामलीला भी देखी थी और लोगों को भी संबोधित किया था। मुंबई में कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। परिकर ने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। परिकर के मुताबिक कांग्रेस जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात कह रही है वो बॉर्डर एक्शन टीम की कार्रवाई है जो आम तौर पर चलती रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिफेंस मिनिस्टर फॉर 2 years एंड फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव लर्नड देयर इज नो सर्जिकल स्ट्राइक एनी टाइम अर्लियर। ओके व्हाट प्रोबेबली दे आर कोटिंग are what is called as action taken by border action teams। मनोहर परिकर ने सर्जिकल स्ट्राइक का ज्यादा क्रेडिट पीएम को दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं वो भी इसका क्रेडिट ले सकते हैं। पूर्व डीजीएमओ विनोद भाटिया ने भी दावा किया था कि इससे पहले भारत ने कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी। बलूचिस्तान और पीओके में पाकिस्तान की जुल्म सितम के खिलाफ दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर पीओके और गिलगित बलूचिस्तान के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पीओके में चल रहे जमात उद दावा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी शिविरों और पाकिस्तान के जुल्म का विरोध किया। आरोप लगाया कि आवाज उठाने वाले लोगों पर झूठा केस किया जा रहा है। दूसरी तरफ कनाडा के शहर वैंकूवर में बलूचिस्तान के लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया। आरोप लगाया है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान बलूचिस्तान को चीन के हवाले कर रहा है। कैद कर दिया गया है, ये जुल्म है हमारे लोगों पे और ऐसे जो अमल है इनके, इनपे भरपूर मजम्मत करते हैं हम उनकी। This shows the mirror to Pakistan that what kind of human rights violations there are in this country. बलूचिस्तान और पीओके में लोग पाकिस्तान के कब्जे का विरोध कर रहे हैं। बलूचिस्तान और पीओके के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान उनके प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है। हरियाणा का सेब हमेशा अपनी मिठास के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों ये सेब अलग ही वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। हरियाणा के रादौर में सेब की पेटियों पर देश विरोधी नारे सेब पर लिखे मिले हैं। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच कश्मीर के सेब पर भारत के खिलाफ लिखे नारे कई शहरों में देखने को मिले। इस बार इस तरह का मामला यमुनानगर के रादौर में सामने आया। रादौर के गांव सिली खुर्द के रहने वाले श्री कुमार कम्बोज जब सेब खरीद रहे थे तब दुकानदार के लड़के ने उन्हें सेब की पेटी में से निकाल कर सेब दिए, लेकिन इस बीच एक सेब पर कुछ लिखा हुआ था जिसके बाद श्री कुमार का ध्यान उस सेब पर गया। सेब पर इंग्लिश में पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया गो बैक और हमें चाहिए आजादी के नारे हुए थे। साथ ही कुछ शब्द उर्दू में भी लिखे थे। श्री कुमार सेब को अपने घर ले आए और फिर मामले की जानकारी पुलिस को दी। रादौर के एसएचओ के मुताबिक मामले की जांच जारी है। सेब कहां से आया, कहां से खरीदा गया, इसकी पूरी तफ्तीश की जा रही है। भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सेब पर भारत विरोधी शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं।
कि आखिर इस सेब की सप्लाई कहां से हुई। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने मेट्रोलॉजी रूल्स में बदलाव किए हैं। इन बदलावों के साथ ही असाधारण हालात में सरकार को दलहन और चीनी जैसी जरूरी चीजों का खुदरा दाम तय करने का अधिकार मिल गया है। मौजूदा व्यवस्था में खुदरा की कीमतें डिमांड और सप्लाई के मुताबिक तय होती हैं। ऐसे में अचानक दाम बढ़ने पर कार्रवाई के लिए सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं। अब मेट्रोलॉजी रूल्स में बदलाव से सरकार को ज्यादा अधिकार मिल गए हैं। अचानक कीमतें बढ़ने पर अब सरकार दखल दे सकती है। सरकार जरूरी चीजों के दाम तय कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इस कदम से महंगाई को काबू करने में मदद मिलेगी। सरकार जल्द ही दो बड़े सरकारी बैंकों का आपस में विलय करा सकती है। बैंक ब्यूरो प्रमुख विनोद राय ने कहा कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है, लेकिन उन्होंने बैंक का नाम बताने से इनकार किया। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों बैंक मुंबई बेस्ड हैं। विनोद राय ने कहा कि बैंकों के विलय से पहले सरकार की प्राथमिकता बैंकिंग सिस्टम के बैड एसेट की सफाई है। उन्होंने कहा कि मर्जर से पहले बैंकों को अपने बैलेंस शीट की सफाई करनी होगी। दरअसल बैंकिंग सेक्टर के कुल NPAs का 88% सरकार का है। विनोद राय ने कहा कि दोनों बैंकों के मर्जर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसमें छोटे और कमजोर बैंकों का विलय किया जाएगा। आपको बता दें कि SBI के अलावा IDBI, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक मुंबई बेस्ड बैंक है। जल्द ही आपका मोबाइल नंबर बदल सकता है। दूरसंचार विभाग लगातार इस पर तेजी से काम कर रहा है। नए सिस्टम के तहत आपका मोबाइल नंबर 10 के बजाय 11 अंकों का हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दूरसंचार विभाग के पास 10 नंबर की सीरीज तेजी से खत्म हो रही है, इसलिए मोबाइल नंबर 11 डिजिट का किए जाने पर विचार किया जा रहा है। एक नई टेलीकॉम कंपनी के आने से ग्राहकों की संख्या में तेजी से इजाफा हो गया है। कंपनी का एक साल में 10 करोड़ ग्राहक जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए बड़ी संख्या में नंबर जारी करने पड़ेंगे। भारत में फिलहाल मोबाइल नंबर 7, 8 और 9 नंबर से शुरू होते हैं, जबकि 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर लैंडलाइन के लिए रिजर्व हैं। मोबाइल उपभोक्ता के मामले में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। फिलहाल देश में 100 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं और ये आंकड़ा 2020 तक 140 करोड़ हो सकता है। अगर आप नवरात्रों में ऑनलाइन सेल का फायदा नहीं उठा पाए हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक और मौका है। आज से स्नैपडील ने फेस्टिव सेल का सेकंड एडिशन शुरू कर दिया है। ये सेल 14 अक्टूबर यानी शुक्रवार तक चलेगी। इस सेल में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और होम प्रोडक्ट्स पर अच्छी डील्स मिलेंगी। इसके अलावा SBI कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड यूजर्स के लिए iPhone 7 और 7 प्लस पर 10,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर भी है। पेटीएम की महाबचत सेल भी आज से शुरू हो गई है, ये भी 14 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं अमेज़न एक बार फिर 17 से 20 अक्टूबर तक फेस्टिवल सेल लाएगा। आपको बता दें कि नवरात्रों से सभी ऑनलाइन कंपनियों ने सेल लगाकर ग्राहकों से खासी कमाई की है। गैलेक्सी नोट 7 से विवादों में घिरे सैमसंग ने फोन का प्रोडक्शन को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है। प्रोडक्शन बंद करने के चलते सैमसंग ग्राहकों को फोन वापस करने के लिए खास तरह के डिब्बे भेज रही है, जिसमें ग्राहक अपने फोन को सुरक्षित वापस भेज पाए। ये डिब्बे थर्मली इंसुलेटेड हैं, जिससे फोन फटने के हादसे को टाला जा सके। सैमसंग ने सितंबर में गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी में ब्लास्ट होने के बाद इसे रिकॉल करने का फैसला किया था। 3 तलाक के प्रावधान से कैसे मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी प्रभावित हो रही है, इसकी एक तस्वीर बरेली से सामने आई है, जहां पति को नशा करने से रोकना पत्नी को भारी पड़ गया। बरेली की रहने वाली शबनम की शादी 22 साल पहले आजाद से हुई थी। हंसते खेलते इस परिवार में 4 बच्चे हैं, जिनमें बड़े बेटे की उम्र 20 साल के पार है। मगर शादी के 22 साल के बाद अचानक एक दिन आजाद ने शबनम को तलाक दे दिया। वजह रही कि शबनम ने आजाद की गलत आदतों को लेकर टोकाटाकी की। नशे की लत का शिकार हो चुके आजाद ने 3 बार तलाक बोलकर शबनम को घर से बाहर निकाल दिया। बरेली की शबनम की कहानी एक उदाहरण भर है। देश भर में हजारों मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के दंश को झेल रही हैं। यही वजह है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो ज्यादातर महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। दिल्ली में लाल किले की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। लाल किले की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यहां पर NSG कमांडो की तैनाती की गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक यहां एनएसजी के 90 कमांडो तैनात किए गए हैं। यहां तैनाती अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। आतंकी हमलों के खतरों को लेकर अलर्ट के बाद लाल किले की किलेबंदी करने का फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर में उरी हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां लगातार आतंकी हमलों का अलर्ट जारी कर रही हैं। एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दिल्ली में हमले होने का खतरा और बढ़ गया है। लाल किले के अलावा दिल्ली में कई और जगहों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल और भीड़ भाड़ वाले इलाके और मॉल्स शामिल हैं। आपको बता दें कि सन 2000 में लाल किलों को लश्कर के आतंकवादियों ने निशाना बनाया था और लाल किले में घुसकर अंधाधुंध 6 आतंकवादियों ने फायरिंग की थी, जिसमें 3 सैनिक शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस को हाईटेक करने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन शिवराज सरकार की पुलिस मोर्चे पर फेल होती नजर आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश से पुलिस की पोल खोलने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। छतरपुर में दशहरे के मौके पर पुलिस महकमे ने शस्त्र पूजा की, लेकिन जब हथियार चलाने की बारी आई तो खुद एसपी साहब से हथियार नहीं चल पाए। उसके बाद एसपी ललित शाकिवार ने बंदूक उठाई और बीच मैदान में आकर फायर करने की कोशिश शुरू की, लेकिन यहाँ भी वही हुआ, एक दो नहीं बल्कि कई फायर मिस हुए। पुलिस को दिए गए सुरक्षा हथियारों की हकीकत सबके सामने है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इन हथियारों के साथ पुलिस हाईटेक है? हरियाणा के हिसार में अग्रोहा धाम में 16 अक्टूबर को वैश्य समाज का सालाना समारोह होगा और इस समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि मुझे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का मौका मिला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अग्रोहा पूरे वैश्य समाज का है। इस बार भी हर वर्ष की तरह इस बार 35वां वार्षिक मेला अग्रोहा में 16 अक्टूबर को है। उस दिन वहां पर लगभग 1,00,000 की संख्या में पूरे देश भर से लोगों के आने की आशा है और साथ में लगभग 33 मेंबर पार्लियामेंट्स फ्रॉम बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और करीब 110 के लगभग एमएलए अलग अलग असेंबलीज से, देश भर की असेंबलीज से और सभी राजनीतिक पार्टियों से जो लोग हैं वो आएंगे वहां। इस समारोह के मुख्य अतिथि इस बार माननीय श्री अमित जी शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी करेंगे।